कैसे हो सब? लाइव आ जाओ। देखते हैं सबसे पहले किसका मैसेज मुझे दिखता है। फर्स्ट कमेंट किसका है? लेट्स सी। गुंजन मरलेचा ने कहा है हेलो। हेलो गुंजन। हाय प्रिया पत्रा। हेलो योगिनी गजबिहे। हाय द विंटेज वाइन। बड़ा प्यारा नाम है यार आपका। सूरज राज रज रावत। हाय हेलो सूरज भाई। RHL GYL। भाई आपका नाम बड़ा अलग है, RHL GYL। मिताली राठौर। श्रुति DZ। हाय हाय तृप्ति बर्दे। हेलो भंडारी संकल्प। आई एम प्रेम पटेल। हेलो भाई मैजिकल मार्गी। हेलो हाय क्यूटी पाई कह रही हो। हाय मार्गी कैसे हो? उत्तरी ने भी कहा है हाय। हाय उत्तरी कैसे हो जी? पूजा तंवर। हाय पूजा तंवर। हाय स्वर्णिम। स्टोन स्टान कह रहे हैं हाँ बस गर्ल्स के नाम लो। अरे भाई क्या करें, अब जिसका कमेंट आ रहा है अपन तो उसका नाम ले रहे हैं। सारी गर्ल्स ने कमेंट किया तो अब क्या करें, अब आप आए हो भी स्टोन नाम से। असली नाम क्या आपका? हाय क्रिस्मी क्रंची। हाय वाधवा मुस्कान। हे चलो धीरे धीरे सब लाइव आ रहे हैं। बड़े दिनों बाद मेरे को ऐसे करने का भी मौका मिला है, क्योंकि अभी तक तो अपनी मूंछें एकदम छोटी हो रखी थी और खैर अलग ही माहौल था। मैं जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था लाइव के, कि अपने क्या जो ट्रिमर है ना, ट्रिमर का मैं ट्रिमर ले आया मुंबई से जयपुर, पर मैं उसका चार्जर मुंबई भूल गया तो मेरे पास मेरा ट्रिमर नहीं था और सारी शॉप्स तो बंद हैं। तो आज मैंने कुछ नुस्खे लगा के किसी तरह से इस चेहरे को थोड़ा सा चेहरे जैसा बनाया है, नहीं तो बहुत कुछ दिनों से मैं एकदम भालू था, एकदम ही भालू। रोहित राज 3371 कह रहे हैं बिग फैन सट सिट। वो सर कहना चाहता हूँ शायद, लेकिन सिट बोल दिया। इट्स ओके, ऐसी सिट चीज़ें होती रहती है कभी कभी। डॉल संध्या प्लीज़ मेरा नाम लो मोहित। हाय डॉल संध्या। और अभी मैं लगा रहा हूँ मेरा फ़ोन मेरे छत में मौजूद इस चार्जर में। देखना चाहोगे इसकी तस्वीर? हाँ तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि देवियों और सज्जनों, ये है एक चार्जर और ये है छत पे स्पेशल जगह जो शायद म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाने के लिए बनाई होगी, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे फोन को चार्ज करने में। पल्लवी कोहली कोई सॉन्ग नहीं सुनाओगे? बिल्कुल सुनाएंगे, अब आप आ ही चुके हैं सब साथ में, तो अब हम आपको सुनाते हैं एक ताज़ा तरीन गाना जिसका नाम है आपने कभी नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होंगे जनाब। जी हाँ दोस्तों, कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूँ, मखमली सी रेशमी सी आवाज दूँ, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे महके तेरे पास में गुलाब हो। कहती जिंदगी में आया कैसा क्रिक है, कह ले कुछ भी। नेक्स्ट लाइन क्या है मुझे कमेंट में बताओ, मैं गाऊंगा नहीं। चलो तुम कमेंट में ही बता दो, मैं गा भी देता हूँ। कह ले कुछ भी, तू मेरा कप केक है। हाँ तो जी धीरे धीरे सब लाइव आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आदर्श नंदन कह रहे हैं सर हमको आपको मैसेज किए हैं। वाह यार बड़ा प्यारा अंदाज लगा मेरे को आपकी बात कहने का। हंसिका छाबड़ा कह रही है कप केक। हाय हंसिका छाबड़ा। शर्मा नानू दीप्ति मनीष शर्मा जोधपुराइट। भाई ये सॉन्ग तो फॉरएवर फेवरेट वन है। पल्लवी कोहली कह रही है तू मेरा कपकेक है। हाँ और मयंक ने भी कहा है तू मेरा कपकेक है। ठीक है तो अब सब लाइव आ रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ मुझे कौन दिख रहा है? यहाँ मुझे एक मेहमान दिख रहे हैं, पर वो लाइव में आना नहीं चाहते हैं। मैं रिवील भी नहीं कर सकता उस मेहमान का नाम क्या है, क्योंकि उस मेहमान ने मेरे को सालों पहले मना कर चुका है, बैन कर चुका है बेसिकली। जैसे अपन बैन करते हैं ना लोगों को, तो उसने मुझे बैन कर रखा है, मुझे मॉम को सबको, कि मैं फ़ोटो में नहीं आना चाहिए हूँ, मैं वीडियो में नहीं आना चाहिए हूँ। तो अपने क्या है उन गेस्ट को हम थोड़ा दूर ही रखते हैं इन सोशल मीडिया वाली चीज़ों से। हार्दिक परमार कह रहे हैं हेलो। हेलो हार्दिक। रजनरी तोलिया हेलो सर बिग फैन। थैंक यू यार। और बताओ तुम सब कैसे हो? हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये बताओ मुझे।
अक्की प्रशांत चौधरी कह रहे पलक, अरे प्रशांत भाई, तो प्रशांत भाई के लिए मैं पलक ज़रूर गाऊंगा, पर अभी नहीं, थोड़ी सी देर में गाता हूँ प्रशांत भाई, थोड़ा सा वेट करके। परी देवी कह रहे हैं डैड कहाँ हैं, डैड अभी नीचे हैं, डैड टीवी देख रहे हैं और मैं ऊपर छत पे हूँ, और भाई भी अभी छत पे आने वाले थे लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा कि मेरे हाथ में ये हथियार है जिससे मैं लाइव कर रहा हूँ, और हो सकता है मैं हथियार उन पर चला दूँ और वो भी लाइव में आ जाएँ, तो उसे डर के वो भाग गए। रुद्र कह रहे हैं हाय भैया, हाय रुद्र। चक्सिता भल्ला कह रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है। आयुषी आयुषी दबकर का कह रहे हैं पलक, उनको भी पलक सुनना है तो अच्छा ठीक है, तो मैं आपको पहले पलक सुनाता हूँ फिर अपन बाकी की बातें करते हैं। मैं हूँ वो पलक जो तेरी मासूम सी आँखों से टूटे फिर गिरे, और देखते ही हाथों की हथेली से सपने ले के वो तेरे यूड़े। तो अब हम बात करते हैं लॉकडाउन की, बात करें लॉकडाउन में क्या कर रहे हो तुम, कैसे स्पेंड करते हो अपना लॉकडाउन, चलो मुझे बताओ, सब कमेंट्स में मुझे बताओ कि आप सब लॉकडाउन कैसे स्पेंड कर रहे हो। जब तक आप कमेंट करते हो तब तक मैं बताता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं, हो सकता है मतलब काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें उनको मतलब अभी परेशान कर रही हूँ काफ़ी चीज़ों की वजह से, लेकिन मैं अभी बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ लॉकडाउन को, क्योंकि मुझे शायद 6 साल बाद मौका मिला है कि मैं अपनी फैमिली के साथ में इतना टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ अच्छे से मुंबई से जयपुर आके, तो मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। और शायद तक आप सब काफ़ी लोगों को पता होगा कि मुझे ना मतलब वैसे भी बाहर जाना उतना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, मुझे हमेशा से घर में रहना और अपने कमरे में बैठ के गिटार बजाना, गाने लिखना, डायरी पेन लेके, तो वो सब मुझे हमेशा ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के कि कुछ ज़्यादा शोर नहीं है, एकदम शांत है सब जगह माहौल। मुझे बेसिकली इसी तरह की चीज़ें बहुत हमेशा से पसंद रही है, हालांकि ये सब चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होता है सिटी लाइफ में जैसा कि आप सब जानते ही हैं, लेकिन अब ये क्योंकि हो पा रहा है तो मुझे बड़ा सुकून सा मिल रहा है पर्सनली। आई नो इसके काफ़ी सारे कॉन्स भी हैं पर काफ़ी सारे प्रोज भी हैं। आई होप सिचुएशन जल्दी से ठीक हो जाए और सब वापस से उस लाइफ में लौट सकें जो इतने टाइम से जी रहे थे। हो जाएगा, थोड़े दिन की बात और है, साथ में मिलकर ये भी हो जाएगा। तो अक्की प्रशांत चौधरी कह रहे हैं भाई कितने नए गाने बनाए। भाई मैंने यार कोई भी नए गाने नहीं बना पाया मैं यार, बताओ इन दिनों मतलब मैंने सोचा था कि मैं काफ़ी कुछ नया लिख पाऊँगा या कुछ कंपोज कर पाऊँगा या तो पोएम्स लिख पाऊँगा, पर मैं वो कर नहीं पाया, पता नहीं क्यों, शायद फील नहीं आ रही होगी। फील आएगी तो बन जाएंगे, फील आती है तो भाई एक दिन में 4-5 गाने ही बन जाते हैं, और फील नहीं आती तो 4 महीने में कुछ भी नहीं हो पाता। तो मुदित महावार कह रहे हैं फिर मुझे जल्द से पुकार। एक मिनट क्या हुआ पीछे, तो वंदना महेश्वरी, ऋषिराज गौर साहब, अरे ऋषिराज भाई कैसे हो आप। ऋषिराज भाई अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं इनसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त की पार्टी में मिला, अंकर ऋषिराज भाई। और ख्वाबों में भी रहूं जगा, ये प्यार है या है प्यार सा, लेने लगा सांसें सभी, सीने में दिल कोई दूसरा, मैं मौसम है बहार तू बादल, मैं हूँ फुहार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू। तो ये सॉन्ग आई नो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होगा ये सॉन्ग का, लेकिन सारा जो मेजर क्रेडिट है ना वो इस सॉन्ग के म्यूज़िक कंपोज़र और लिरिसिस्ट को जाता है, जो कि हैं कुणाल वर्मा भैया और रैपर या वालम भैया।
और उनकी वजह से ये सॉन्ग इतना खूबसूरत है। मैंने सिर्फ इसको गाया है, मैंने इसमें कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। हाँ, कपकेक का पूरा क्रेडिट मैं ले सकता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है, मैंने बनाया गाना, वहीं का मैं क्रेडिट ले सकता हूँ, पलक का मैं ले सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे दिल से पुकार तू तो कुणाल भैया और रैपर या बालम भैया और संजना जो इस गाने की प्रोड्यूसर थी उनकी और उनकी पूरी टीम का क्रेडिट है, मेरा इसमें बहुत ही छोटा सा पार्ट है। तो निष्ठा 2686 कह रही है आई लव दिस सॉन्ग, थैंक यू निष्ठा, वही सॉन्ग प्लीज ना। हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, जिस जगह तू होता है, जहां कंधे पे मेरे सर के सोता है, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही। प्लीज़ पिक माई वीडियो कॉल वन टाइम पुतुल, एक शायरी प्लीज़। मोहित भाई जयदीप सिंह कह रहे हैं क्या बात है, बताओ ये पहली बार हो रहा है, मतलब हो सकता है शायद पहले भी आप सबने ऐसा कहा हो, लेकिन मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ कि किसी ने मेरे को कमेंट में कहा है कि उनको शायरी सुननी है, क्योंकि छोटे ही सही लेकिन अपन मतलब पोइट्री हमेशा से लिखते आ रहे हैं, छोटे से शायर नहीं कहूँगा मैं खुद को, लेकिन हाँ मतलब मैंने आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि गाना ये लिखने से पहले, मतलब मैंने जब लिखने की शुरुआत करी है समझ लो मेरे जीवन में या करियर में, तो वो मैंने पोएम्स लिखकर ही शुरू करी थी। तो मुझे पोएम्स लिखना बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद रहा है, मतलब जब मैं 9th-10th में था तब से बहुत ज़्यादा पसंद रहा है, और फिर मैं धीरे धीरे गाने बनाने लग गया, तो मैं पोएम्स सबसे पहले लिखता था, तो ये समझ लो कि छोटा सा पोएट मैं सबसे पहले हूँ, और गाने वाने तो फिर बाद में लिखना शुरू कर दिया, गाने बाद में शुरू कर दिए। शिरेन कह रही है मुझे भी सुननी है शायरी, ठीक है शिरेन, अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त है, और शिरेन ये पोएम तेरे लिए और आप सब के लिए जो सुन रहे हैं, ये मेरे को बहुत पसंद है मेरी पोएम, तो इस पोएम का नाम है, हाँ इस पोएम का नाम है इश्क हुआ है। तो ये मैंने तब लिखी थी बेसिकली जब मैं किसी से मिला था, और ऐसा फील हुआ था कि यार शायद कुछ ही दिनों में ना मतलब शायद प्यार सा हो गया है, और जनरली कैसा होता है कि ठीक है मुझे क्रश आ जाता है किसी पे जल्दी से, लेकिन वो वाली फील आना ना जो जिसको शायद प्यार कहते हैं, जो शायद क्रश से थोड़ा बढ़कर होती है, या सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, वो थोड़ा अलग एक माहौल होता है, तो वो ना कभी कभी हो पाता है। तो शायद उससे मिले हुए कुछ ही दिन हुए थे और मुझे वैसा सा कुछ फील हो रहा था उसके लिए, तो मैंने लिखा था कि इश्क हुआ है कल परसों की बात है, इश्क हुआ है कल परसों की बात है, तुम्हें लगता है एक और हो गया, मुझे लगता है ये आखिरी बार है, इश्क हुआ है कल परसों की बात है, गिरा के रखी थी मैंने चाशनी लबों पे, गिरा के रखी थी मैंने चाशनी लबों पे, सोचा जो भी कहूँगा मीठा लगेगा उसे, गिरा के रखी थी मैंने चाशनी लबों पे, सोचा जो भी कहूँगा मीठा लगेगा उसे, क्या पता बह के आके चख लेगी इन्हें, क्या पता बह के आके चख लेगी इन्हें, और दो तरफा मेरा इकरार हो जाए, इश्क हुआ है कल परसों की बात है, तुम्हें लगता है एक और हो गया, मुझे लगता है ये आखिरी बार है। तो ये मेरे को बहुत मेरी फेवरेट पोइम्स में से एक है, हालांकि एक मेरी मतलब मेरी जो पर्सनल कहते हैं ना सबकी फेवरेट एक कोई चीज़ होती है, तो मेरी सबसे फेवरेट एक पोएम है जो मैंने अभी तक आप सबको सुनाई नहीं है,
जबकि मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया है और उसका मतलब एक सिंपल सा वीडियो शूट भी कर लिया, लेकिन वो क्या है थोड़ी सी ज़्यादा कह लो थोड़ी ज़्यादा इमोशनल है या थोड़ी सी सैड टाइप्स है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं आप सबको सुनाऊँ या शेयर करूँ कि नहीं करूँ, इस डिलेमा में हूँ मैं अभी थोड़ा सा। तो लेट्स सी, वो पोएम भी बहुत पसंद है मुझे, बेसिकली वो मेरी फेवरेट पोएम है। शीतल कह रही है वाह वाह वंदना माहेश्वरी, उपासना माहेरिया मेरी भी वन ऑफ फेवरेट है। शरीन मिर्ज़ा हाय, अरे वाह। चलो मैं आपको ना इसी बात पे एक और पोएम सुनाता हूँ पहले, गाने से पहले। अरे हर्ष सुखानी भी लाइव पे हैं, कैसे हो हर्ष भाई? आई होप आप ठीक हो भाई, घर में सब कैसे हैं मुझे बताओ, और आपकी आँख ठीक हुई कि नहीं हुई? अगर आप ये लाइव देख रहे हो और कमेंट कर रहे हो तो आई एम श्योर कि मतलब आपके जो आई का ऑपरेशन वो एकदम बढ़िया सक्सेसफुल हो चुका होगा। और भाई जल्दी मिलते हैं, मैं तो जयपुर में हूँ अभी, मैं एकदम अच्छा हूँ। हर्ष भाई आप कैसे हो आप बताओ, और आशिक भाई कैसे हैं, अपनी टीम के सारे लोग कैसे हैं? तो प्रियू कह रहे हैं सुनाइए ना, ठीक है। तो अब मैं आप सबको मेरी एक और लिखी हुई पोएम सुनाता हूँ, और आई थिंक शायद आप सब उससे रिलेट कर पाएँ थोड़ा ज़्यादा। और पोएम का नाम है, पोएम का नाम बताऊँ क्या, पोएम का नाम रहने देता हूँ अभी, सरप्राइज रखता हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो एक इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ, बैक स्टोरी। तो आप मुझे बताना, जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं ना, मुझे बताना कि आप में से ऐसा कौन कौन करता है, या कभी किया हो लाइफ में आपने, या अभी भी करते हो, कि मान लो तुम्हारे कपड़े हैं ना, तो अब क्या जब आप फैमिली के साथ में रहते हो तो उसमें थोड़ी आपकी मॉम या फैमिली मेम्बर्स हेल्प कर देते हैं। अब मैं रहता हूँ मुंबई में, तो वहाँ पे सब कुछ थोड़ा खुद ही करना पड़ता है। तो अब हुआ क्या था, एक दिन कपड़े ना अपने जो होते हैं अलमारी में रखने के, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सॉर्ट करके रखते हैं एकदम, यू नो, सजा सजू के। मैं थोड़ा सा वैसा हूँ कि मैं धुले हुए कपड़े भी और थोड़े जो अपने थोड़े से पहने हुए कपड़े होते हैं वो सब एक ही जगह पे ठूस देता हूँ, और फिर उसमें से चुनता हूँ कि मतलब कौन सा पहनने लायक है और कौन सा नहीं है। जो पहनने लायक होता है उसको प्रेस वगैरह करवा के और फिर अपन यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा कौन करता है आप मुझे लाइव चैट में अभी बताओ मुझे, कि कौन ऐसा करता है कि अपने धुले हुए कपड़े और अपने वैसे कपड़े सब एक साथ ही पटक देता है अलमारी में या कहीं भी, और उनको सॉर्ट करके नहीं रखता? कौन है मेरे जैसा पापी इंसान, या आलसी कह लो? आलसी हूँ यार मैं इस मामले में थोड़ा, कुछ चीज़ों में बिल्कुल नहीं हूँ। जैसे मैं एक बार अगर काम करने की फील में आ गया ना, मतलब भले ही वो कुछ भी हो, चाहे फिर उसमें एक दो दिन लग जाए, मैं उसको करता रहूँगा। लेकिन अगर मैं पढ़ा हूँ ना, तो मतलब जैसे एक न्यूटन्स का लॉ ऑफ इनर्शिया होता है कि एक चीज़ मोशन में तभी आती है जब आप उसको धक्का देते हो, और जब उसको आप धक्का देते हो तो उसको फ्रिक्शन चाहिए होता है रुकने के लिए, नहीं तो वो चलती जाएगी एक परफेक्ट प्लेन में, ऐसा कुछ मैंने ऐसा सुना था कुछ। तो वो मेरे साथ में वो लॉ है कि हाँ, मेरे को अगर तुमने धक्का दे दिया तो मैं चलता जाऊँगा, है ना, रुकूँगा नहीं, और अगर तुमने मेरे को रोक दिया तो मैं फिर आराम करूँगा, फिर मैं पड़ा पड़ा। तो कौन मैं? सृष्टि शुक्ला कह रही है कि वो ऐसा ही करती हैं, निशी कह रही है वो भी ऐसा ही करती हैं, महराज मैरा कह रही है नहीं वो ऐसा नहीं करती हैं, आई एम ज्योति हार कह रही है हाय मोहित, हर्ष चौधरी कह रहे हैं मैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। चलो मतलब मेरे जैसे थोड़े से आलसी लोग भी हैं दुनिया में, अच्छा लगा जानकर, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो निक्की कह रही मैं भी ऐसा कभी नहीं करती, अच्छा आप नहीं करते ऐसा, मैं तो क्या अक्सर ऐसा ही करता हूँ, मतलब ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब अपने सारे कपड़े ऐसे एक साथ पड़े हुए थे अलमारी में, है ना, और मुझे ज़रूरत पड़ी कि यार मैं इनको सॉर्ट कर देता हूँ। बहुत अति हो गई है चीज़ की, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुकी है सिचुएशन अपनी अलमारी को देखकर, ऐसा मुझे फील हुआ, दिल पे लग गई बात अपने बेसिकली। तो दिल पे जब लग गई बात तो अपन ने उस दिन बड़ी हिम्मत करके और डिसाइड किया कि अपन सॉर्ट करेंगे सारे के सारे कपड़े, और सॉर्ट कर रहे थे। तो अब गंदे कपड़ों को ना कैसे सॉर्ट करते हैं, इस तरह के जब गंदे नहीं मतलब इस तरह के जब अच्छे कपड़े और थोड़े से पहने हुए कपड़े साथ में मिल जाते हैं, तो उनको आप देख के डिफरेंशिएट शायद उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितना आप स्मेल करके कर सकते हैं। तो ये कपड़े को ये अभी भी पहना जा सकता है, अरे क्या रख दिया मैंने, तो उस तरह से ना थोड़ा थोड़ा अपन करके मैनेज कर रहे थे चीज़ें। तो एक जो मेरी शर्ट थी तो उस पर ना वो परफ्यूम की खुशबू थी जो उसे पसंद हुआ करती थी,
तो उस पे मैंने कुछ लिखा था कि खरीदा था वो जो खरीदा था इत्र दुकान से, वो जो खरीदा था इत्र दुकान से, गहरी बातूनी खुशबू लिए वो जिससे लिखा था बदन की स्लेट पे, वो जिससे लिखा था बदन की स्लेट पे सिर्फ तुम्हारी सांसें छू जाने के लिए। उन सांसों को याद हो ना हो, शर्ट पे अब भी वो मस्क बाकी है। कुछ इश्क तब किया था सोच आखरी, कुछ इश्क अब भी बाकी है। तो ये मैंने लिखी थी उसके लिए। अरे यार ठीक है, लिखी थी शर्ट के लिए, लिखी थी मैंने ये पोएम, और उस परफ्यूम के लिए लिखी थी। तो वंदना माहेश्वरी हंसने का उन्होंने स्माइली भेजा है। प्रिंस सोनी कह रहे हैं क्या लिखा था, शुक्रिया दोस्त। स्तुति मिस्टीरियस कह रहे उफ मर जावा। अरे वी वैभव थैंक यू। वंदना कौन थी वो थी। खुशबू 0601 हाय सर, हाय खुशबू। इशिका लव यू, आई लव यू टू। करनानी खुशी है hey. अच्छा सुनो, अब ना जाने का वक्त इसलिए हो गया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी हो चुकी है गायब, और चार्जर जो वहाँ पे पड़ा है दूर दिख रहे हो टन 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 टन, वो कहाँ है, वो है चार्जर उधर उधर कहीं चार्जर पड़ा हुआ है। तो जल्दी अपन फिर से मिलते हैं, फिर से लाइव चैट पे। और बहुत अच्छा लगा आप सब आए और बातें करी हमने साथ में, ज़्यादातर मैंने ही करी आज तो। और जल्दी